रत्तु का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्ता है अजब है कहानी। नम्रता, अभी तक तुमने कहा और हमने सुना, अब हम कहते हैं और तुम सुनाओ। हमने हमेशा दोस्ती का ख्याल रखा है, जहां दोस्तों का पसीना गिरा हमने वहां अपना खून बहा दिया है। हमारा तो हमेशा यही उसूल रहा है कि नर्क में रहेंगे तो दोस्तों के साथ, और स्वर्ग में रहेंगे तो भी दोस्तों के साथ। नम्रता, हम भी अपनी वफादारी जरूर साबित करेंगे। तुमने हमारी जितनी भी मदद की है, हम उसके एक एक पल का हिसाब चुकाएंगे। इस केस में तुम्हें हमारी जितनी भी मदद, जितनी भी फीस चाहिए, हम तुम्हें देंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस केस में तुम्हें और अधिकारी को पूरी तरह फंसाया गया है, और जाहिर है कि प्रगति चाहती है कि तुम दोनों को सजा मिले, लेकिन उसकी आरजू कभी भी पूरी नहीं होगी। हम इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर यशवंत को अपॉइंट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी फीस क्यों न देनी पड़े। मैं ग्रोवर की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। नम्रता, तुम भी जान लो, यदि तुम यह मुकदमा हार गई तो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तुम्हें वचन देता है कि मैं प्रगति और सभा की लाशें गिराकर तुम्हारे साथ उम्र कैद की सजा काटने के लिए तैयार हूं। नम्रता, ठाकुर साहब की बात पत्थर की लकीर है। तुम और अधिकारी कभी भी यह ना समझना कि तुम लोग अकेले हो, हमारी यह दोस्ती हमारी सांसों तक कायम रहेगी। नम्रता, अब हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में अब भी शक है हमारे दोस्तों की तरफ से। नहीं ठाकुर साहब, अब मेरे दिल में कोई शक नहीं है, बल्कि फक्र है अपने दोस्तों पर। और अब मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूं कि जीत हमारी होगी, सिर्फ हमारी। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। आइए 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 दयाल साहब। कैसे हैं सर? ठीक है। ये हैं शहर के बड़े वकील कोतवाल साहब, और ये हैं ठाकुर सिंह। नमस्कार। नमस्कार, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये हैं नम्रता जी, इस शहर की बहुत बड़ी सोशल वर्कर। नमस्ते। नमस्ते, इन्हें कौन नहीं जानता। अधिकारी साहब। हेलो। अरे आप आइए ना, आइए प्लीज, प्लीज कम आइए। आइए प्लीज, बैठिए बैठिए, आइए दयाल साहब बैठिए। शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपको बोला था। जी हाँ, वो केस पढ़ लिया मैंने। वकील साहब, अब अधिकारी साहब और नम्रता की इज्जत पर बात आन पड़ी है, और ताज्जुब की बात तो यह है कि नम्रता जी अपनी आदत के मुताबिक उस लड़की जिसका नाम सबा है, मेरे बेटे विनोद की कंपनी में नौकरी दिलाई।
बड़ी सिफारिश की उसके लिए, और अधिकारी साहब से कहकर वो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने की कोशिश कर रही थी। अब बताइए वकील साहब, ये सिला दिया इनकी मेहरबानियों का, इतना बदनुमा दाग लगाया इनके ऊपर कि सोचता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। कहां ये शरीफ और इज्जतदार लोग, और इनके दामन पर इतना बदनुमा दाग। वकील साहब, आपने केस तो पढ़ लिया होगा? जी हां, फाइल मैंने पढ़ लिया ठाकुर साहब। इसमें लिखा है कि इन दोनों ने उस लड़की को होटल के रूम में चाय की दावत दी, वो लड़की आई और फिर सब झूठ है। हाँ वकील साहब, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ठाकुर साहब, सच हो या झूठ, हमें तो यही मानकर चलना पड़ेगा कि वो सब सरासर झूठ ही है। देखिए, ये मेरे क्लाइंट है और मेरे पेशे की ईमानदारी यही कहती है कि मैं अपने क्लाइंट को बचाऊं। मैं पूरी ईमानदारी से इन्हें बचाने की कोशिश करूंगा ठाकुर साहब। वकील साहब, ये मेरी आन का सवाल है। ठाकुर साहब, मेरे रहते हुए आपकी आन पर कोई आंच नहीं आ सकती। आप मेरी फीस के बारे में तो जानते हैं ना, मैं हर पेशी पर। वकील साहब, आप रुपए की बिल्कुल चिंता ना करें, इज्जत से बढ़कर रुपया नहीं होता है, और ये मेरी इज्जत का सवाल है। बात रुपए की नहीं ठाकुर साहब, उसूल की। सर, अब आपकी चिंता मेरी चिंता बन गई है, डोंट वरी। थ्री स्टार होटल, रूम नंबर 110। दयाल सेठ, आपको मेरा एक काम करना होगा। कहिए। इस होटल के रिसेप्शनिस्ट को आप मेरे पास भेज दीजिए। ये कौन सी बड़ी बात है, आ जाएगा। अरे भाई, उस होटल का मालिक नंदू सेठ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अगर कहो तो मैं उसे बुला लूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ही काफी है। अगर उसने मेरे कहने के मुताबिक गवाही दे दी तो मैं इस केस का नक्शा ही बदल दूंगा। तो बताइए किस वक्त उसको भेजें? 2 बजे के करीब, बाकी मैं ठीक कर दूंगा। वकील साहब, हम ये केस जीत जाएंगे ना? नम्रता जी, मेरा नाम है यशवंतराव कोतवाल। लोग हारे हुए मुकदमे लेकर मेरे पास आते हैं, और अब तक तो भगवान ने लाज रखी है मेरे। अच्छा वकील साहब, अब आपसे मुलाकात हो गई है, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो गई है, और उम्मीद करता हूं कि यह रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। ठाकुर साहब, यह तो जरूरत के रिश्ते हैं, जरूरत के हिसाब से चलते हैं। अब आपसे बहस में तो नहीं जीत सकता हूं, आपने बहुत सारे दोस्त देखे होंगे लेकिन हमारी जैसी दोस्ती नहीं देखी होगी। वैसे हम भी यारों के यार हैं ठाकुर साहब। मिल बैठेंगे दीवाने चार। अच्छा, चलता हूँ। आइए। ओके ओके ओके। क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों का जमानत पर छूट जाना बड़ी गड़बड़ वाली बात है। गड़बड़ क्या अब्बा, वकील साहब कह रहे थे कि जमानत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों पर मुकदमा चलकर ही रहेगा और उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बेटी, वकील साहब जो कह रहे हैं ठीक है, जो कुछ उन्होंने किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंची पहुंच है उनकी, रुपयों की रेल पेल होती है उनके पास, इसीलिए कानून को अपनी जेब में रखते हैं। हाँ बेटी, मैं तो इन रास्तों से गुजर चुका हूं ना, मैं कोई वकील तो नहीं हूं, मगर जिस तरह से एक बीमार आधा डॉक्टर बन जाता है, उसी तरह एक मुजरिम भी आधा वकील बन जाता है। वैसे यह मामला बड़ा संगीन था,
उन्हें तो पुलिस रिमांड मिलना चाहिए था, क्योंकि बेटी ऐसे केस में जमानत मिलने का मतलब है मुजरिमों के हक में फैसला हो जाना। या अल्लाह, तो क्या ऐसा गुनाह करके भी बच जाएंगे वो लोग? अब वो बचे या ना बचे इसका फैसला तो अदालत करेगी। मैंने तो अपना ख्याल बताया। लेकिन अब्बा, अब कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होगी ना? बेटी, अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं किस लिए? पर अब्बा, प्रगति दीदी ने कहा था वो वकील कभी मुकदमा हारता नहीं है। बेटी, मैं तो दुआ करूंगा कि वकील साहब ये केस भी जीते, मगर मुझे डर है कि पैसे वाले लोग बड़े सालिम होते हैं। दौलत के दम पर वो लोग इंसाफ और कानून खरीद लेते हैं। इसका मतलब अब्बा, इंसाफ बिक जाएगा? बेटे, ना भी बिके तो ये वकील अपनी दलील और बहस से सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देते हैं। एक बार तेरे अब्बा के साथ भी यही हुआ था। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ कर ले गई। वकील ने गुनहगार साबित कर दिया और इन्हें सजा मिल गई उस गुनाह की जो इन्होंने किया ही नहीं था। वहां तो सारे फैसले सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर होते हैं, और कई बार तो सच्चाई का गला घोट दिया जाता है, और वकील जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम साबित कर देते हैं। सबा बेटी, तेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। सबा के अब्बा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं सबा पर कोई आंच ना आ जाए। तू फिक्र मत कर मानो, जिस तरफ से सबा को आंच आएगी ना, उस तरफ मैं आग लगा कर रख दूंगा। अब्बू। हाँ मेरी बच्ची। बाबूजी, सुना है कि अधिकारी और नम्रता की जमानत से प्रगति कैंप में मातम छा गया है। हाँ बेटे, बिल्कुल सही सुना है। मातम ही नहीं छा गया है, बल्कि आग लगी हुई है। सुलग रहे हैं वो लोग। मगर बाबूजी, उस लड़की पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। सभा जैसी लड़की जो मासूम और भोली लगती है, वो दरअसल प्रगति की भेजी हुई थी। हाँ बेटे, ये बात अब साबित हो गई है। मगर खुशी इस बात की है कि वो अपने जाल में खुद ही फंस गई है। ये उसकी पहली हार है, और लगता है अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है। विनोद बेटे, एक नौकरानी की बेटी, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली की इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो हमारे सामने अपना सर उठाने लगी थी, हमारी बराबरी करने लगी थी, हमें धमकियां देने लगी थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। उसके गुरूर का सर हम अपने कदमों में झुका देंगे। लीजिए मिठाई खाइए। ठाकुरायन, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो? ठाकुर साहब, खुशी तो इस हवेली से कब की रूठ चुकी है। ठाकुरायन, मिठाई तो आज हम तुम्हें खिलाने वाले थे। खैर कोई बात नहीं, मिठाई तुम खिला दो, खुशी की खबर हम सुना देंगे। खुशी की खबर? हाँ, खुशी की खबर। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तो अब सुनो खुशी की खबर। खुशी की खबर यह है कि नम्रता और अधिकारी दोनों जमानत पर छूट गए हैं। और प्रगति अपनी साजिश में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। ठाकुर साहब, जमानत पर रिहा होने का मतलब ये तो नहीं कि वो सजा नहीं पाएगा। लेकिन इस मुकदमे में ऐसा ही होगा ठाकुरायन, और ये हमारी कामयाबी का पहला कदम है। और एक बात और सुन लो, जिस तरह हमारी ये कामयाबी की शुरुआत है,
उसी तरह प्रगति की ये पहली नाकामी है हमारे सामने, और अब इसी तरह उसकी नाकामी का सिलसिला शुरू होता है, और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएगी। उसके बाद उसकी अपनी औकात उसके सामने आ जाएगी। ठाकुर साहब, ताज्जुब तो इस बात का है कि जो बात मैं आसानी से समझ लेती हूँ वो आप क्यों नहीं समझ पाते? नबराइन, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माना कि प्रगति एक औरत है, वो मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, मगर आप एक बात भूल रहे हैं, जो जुल्म उसने सहे हैं, जो तकलीफ उसने सही है और जो हालात का उसने सामना किया है, उससे उसकी सहनशीलता का पता चलता है। उसने अपनी ही तरह सताई हुई औरतों को इकट्ठा करके उनमें एक आत्मशक्ति पैदा की है, और उन औरतों की लड़ाई में वो अकेली नहीं है, बहुत से मजलूम उसके साथ हैं, और प्रगति की आवाज उनकी आवाज बनकर रह गई है। ठाकुर साहब, आप किसी इंसान को मार सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, परंतु उसकी आवाज को नहीं मार सकते, उसकी आवाज को नहीं दबा सकते। मैं जो आवाज सुन रही हूं, शायद वो आवाज आप नहीं सुन रहे, और वो आवाज कह रही है कि अत्याचार की तलवार जितनी भी तेज हो, वो सच्चाई की गर्दन कभी नहीं काट सकती, कभी नहीं। अरे परदेसी, पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? राम कटोरी, मैं तेरे बालों से खेल रहा हूँ, तेरी अखियां को चूम रहा हूँ, तेरे होठों से खेल रहा हूँ। तेरा जब देखता हुआ चेहरा देखता हूँ ना, मेरे अंदर प्यार की तड़प और बढ़ने लगती है। अरे आग लगे तेरे प्यार को, मैंने कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया कर मुझसे। ऐसा फिर कैसी बात करूं तुझसे? मैंने तेरे से प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला भाई। हाँ, मगर बगैर शादी के किसी लड़की से ऐसी बात नहीं किया करते, समझे? ऐसा ऐसी बात नहीं करते फिर कैसी बात करते हैं? अरे मैं तेरे से शादी करने वाला हूँ भाई। हमारी तो शादी नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? अरे तूने सुना नहीं भूरे महाराज ने क्या कहा? जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक हमारी शादी नहीं होगी। ऐसा पुरानी हड्डी ऐसी बोली? तू फिकर मत कर राम कटोरी, मैं उसका भी बंदोबस्त करके आया हूँ। पागल हो गया क्या? उन्हें इस उम्र में लड़की देगा कौन? अरे पागल नहीं हो गया हूँ, सही बोल रहा हूँ, और लड़की भी ढूंढ के आया हूँ। ऐसी लड़की है जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आधी कब्र में लटकी हुई है, उसका नाम सावली है। सावली? हाँ, बुढ़िया। उसे बुढ़िया मत बोलो, वो बुढ़िया जरूर है मगर उसका दिल मेरी तरह जवान है। राम कटोरी, उसकी कहानी भी अपने पंडित जी की कहानी से बड़ी मिलती जुलती है। क्या, जैसा पंडित जी ने अपनी सारी जवानी कुंवारेपन में बिता दी, इसी तरह ये सावली ने भी अपनी सारी जवानी कुंवारेपन में बिता दी। ये सावली को एक जोशी बोला कि अगर तू बिना शादी किए मर जाएगी तो तेरी आत्मा चुड़ैलों की तरह भटकती रहेगी। अच्छा, हाँ, ऐसा आपने पंडित जी को भी एक जोशी जी बोले ना। हाँ। इसीलिए तो भूरे महाराज शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। पुरानी हड्डी क्यों नहीं तैयार होगी शादी के लिए? इतनी खूबसूरत गुणवंतरी उसके लिए ढूंढ ढांड के ला रहा हूँ। अगर पंडित जी की शादी इसके साथ हो जाएगी तो अपना मैदान साफ होता ना राम कटोरी। मतलब इतनी रूपवती है वो? राम कटोरी मत पूछ, जब उन्होंने बाता करती तो फूल गिरते, जब वो चलती तो चम 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 चलती, कितनी खूबसूरत है उनो। परदेसी, अब तो मेरा दिल भी तड़प रहा है उसे देखने के लिए। राम कटोरी, तू अपने दिल को मत तड़पा, दिल को बांध के रख, बस अपनी अखियां बंद कर ले, तेरे सामने पेश करता हूँ उसको। अखियां बंद करूँ? हाँ, अखियां तो बंद करनी पड़ेगी ना। अखियां बंद बंद कर ले, कर दे अखियां बंद। अच्छा।
परदेसी। समझ गया, मैं अभी पेश करता हूँ मेरी गुणवंतरी, आजा, अभी आया। आइए आइए, यहाँ बैठो, राम कटोरिया क्या तो खोल। अरे परदेसी, तू सच में ले आया, लेकिन इसने अपने चेहरे पे घूंघट क्यों डाल रखा है? राम कटोरी, ये कसम खाकू बैठी है कि मैं अपना चेहरा खाली अपने होने वाले पति को दिखाऊंगी। अच्छा? हाँ, क्या है कि पंडित जी आ जाएं, ये शुभ कार्य अपने हाथों से कर लें, ताकि हम दोनों का रास्ता भी साफ हो जाए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।